प्राक सिरह सयने विद्या धन मायुष्य दक्षिणे पश्चिमे प्रबला चिंता हानिर मृत्यु रथोत्तरे आचार मयूख विश्वकर्मा प्रकाश। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से एक बहुत ही श्रेष्ठ विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने इस बारे में जानने की इच्छा जताई थी, कमेंट में आपने निरंतर इस विषय के बारे में पूछा था कि आप बताएं कि किस दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए और किस दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। अभी तक हम इस कंफ्यूजन में जूझ रहे हैं, ये आपका प्रश्न था। तो आज आपके उसी प्रश्न का उत्तर लेकर मैं आया हूं। आज हम जानेंगे कि किस दिशा की तरफ सोने से क्या लाभ और क्या हानि होती है। अपने वैदिक एस्पेक्ट को भी लेंगे और आपका जो मॉडर्न साइंस कहता है उसको भी लेकर एक श्रेष्ठ कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि किस दिशा की तरफ सोने से क्या लाभ और क्या हानि होती है। आइए पहले मैं आपको इसका वैदिक पहलू समझाता हूं। वेद कहते हैं, और विश्वकर्मा प्रकाश में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सूत्र मिलेगा कि प्राक सिरा सयने विद्या, पूर्व की तरफ सिर कर सोने से विद्या की प्राप्ति होती है। धन मायुष्य दक्षिणे, धन और आयु में वृद्धि होती है अगर आप साउथ की तरफ सिर कर सोते हैं तो। पश्चिमे प्रबला चिंता, पश्चिम की तरफ सोने से मन में एक अजीब सी टेंशन रहती है। व्यक्ति जो श्रेष्ठ नींद उसे होनी चाहिए, जो श्रेष्ठ नींद उसे प्राप्त होनी चाहिए, उसे प्राप्त नहीं होती है। और उत्तर के लिए सदैव मना करते हैं, कहते हैं उत्तरे हानिर मृत्यु रथोत्तरे, बहुत हानि होती है और यहां तक कि व्यक्ति कई बार मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। ये वैदिक का सूत्र है। तो आइए इसी सूत्र को अब मॉडर्न में समझते हैं कि क्या ये सूत्र सटीक बैठता है आज के परिवेश में। देखिए, इन्होंने दो दिशाएं, पहले हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं कि क्यों मना किया गया कि उत्तर की तरफ सिर कर नहीं सोना चाहिए। जो मेन डायरेक्शन रहती है यहां पर, जो मुख्य जिसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि उत्तर की तरफ बिल्कुल भी सिर ना हो। उत्तर की तरफ मृत व्यक्ति का सिर किया जाता है। आप भी अगर सोते हैं तो उत्तर की तरफ सिर नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसका क्या कारण है, इसे समझते हैं। देखिए, हमारी जो बॉडी की एनाटॉमी है, जिस तरह से हमारी बॉडी डिजाइन की गई है, उसमें जो ऊपर का एरिया है, ब्रेन की जो नसें हैं वो बिल्कुल सूक्ष्म हैं, बहुत पतली हैं। नीचे आप बढ़ते जाएंगे तो जो नसें हैं वो मोटी होती जाती हैं। अब इससे हमें क्या पता लगा, अगर आपको एनीमिया है मान लीजिए, तो डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या लीजिए, आयरन। आयरन लेने के लिए आपको बताया जाएगा। इससे हमें क्या पता लगा कि हमारी बॉडी में आयरन होता है। आप सब जानते हैं इसको कि हमारी बॉडी में आयरन पाया जाता है। अब देखिए इससे क्या पता लगा, आप इस बारे में जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही टिकी हुई है। हम भी उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पृथ्वी पर टिके हुए हैं, नहीं तो ग्रेविटी नहीं होती तो हम हवा आकाश में उड़ रहे होते। इसके बारे में भी आपने सुना होगा कि जो नॉर्थ एक्सिस होता है वहां पर एक बहुत बड़ा मैग्नेट लगा हुआ है, इसी के उससे ही कंपास चलता है। इस बारे में भी आप जानते हैं कि जो नॉर्थ है वहां पर जो मैग्नेट है वो अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। जो हमारे हिमालयाज हैं, हिमालयाज ही नॉर्थ में पड़ते हैं, तो जो हमारा अर्थ है, अब इसे आप छोटे परिवेश में समझिए कि जो इंडिया है, इंडिया हर साल अपना कुछ लैंड खो दे रहा है, जो उसकी जमीन है उसे खो दे रहा है। कैसे? क्योंकि वो हिमालयाज में मिलता जा रहा है। ये बड़ी कमाल की बात है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कैसे, कि जो आप अगर कैलाश पर जाएंगे हिमालयाज में, तो वहां मानसरोवर पड़ता है। मानसरोवर में आपको सीप मिल जाएंगी, सी सेल्स जिसे कहते हैं। सी सेल्स का क्या मतलब हुआ कि कभी वो भी सी लेवल पर होगा, लेकिन अब वो सी लेवल पर नहीं है। मतलब क्या है कि उस तरफ को ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से वो चीज ऊपर को बढ़ती जा रही है। ऊपर को बढ़ने से वो जो एरिया है वो ऊपर की तरफ उठ गया, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर किसी चीज को हम प्रेशराइज करेंगे, किसी चीज पे दबाव डालेंगे, अगर वो चीज आगे नहीं बढ़ पा रही है तो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। ये आप भी समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं था। अब इसके पीछे की साइंस क्या है देखिए, हमारी बॉडी में मैंने बताया कि आयरन है। जो हमारी शरीर है, हमारे शरीर को जो अपर एरिया होता है, मान लीजिए कि सिर है, सिर को हम नॉर्थ पोल मान सकते हैं और जो पैर है उसे साउथ पोल मान सकते हैं। तो अब क्या हुआ, मैं आपको इसको दो तर्कों पर समझाऊंगा, समझने का इसे प्रयास करेंगे कि हमारा जो अपर एरिया है उसे हमने नॉर्थ पोल और पैरों के हिस्से को साउथ पोल मान लिया,
हमने नॉर्थ की तरफ कर रखा है सिर। अब आपने सुना होगा कि नॉर्थ और नॉर्थ आपस में रिपल करते हैं। जब रिपल्शन फोर्स लगेगा तो क्या होगा, उससे जो चीज है वो दबने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी। अब इससे क्या हुआ, हमारी बॉडी में आयरन है, वहां से जो मैग्नेटिक पुल है वो अपोजिट हो गया, मतलब उसने हमें प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, पहले तो ब्लड में दबाव बनेगा, जिसके कारण ब्लड प्रेशर की समस्या आपको शुरू हो जाएगी। अब एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक महीने में कुछ नहीं होगा, 3 महीने में भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसे रेगुलर किया जाए तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है व्यक्ति की बॉडी पर। सबसे पहले व्यक्ति भूलने लगेगा, दूसरा अच्छी नींद नहीं आएगी, तीसरा सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि उसे ब्लड प्रेशर का इशू हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर किसी चीज़ पर दबाव पड़ता रहे तो कभी ना कभी तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही। तो इससे हमें क्या पता लगा कि कभी भी नॉर्थ की तरफ नहीं सोना चाहिए। ये तो एक स्कूल ऑफ थॉट है कि लोगों का, हमारे ऋषियों का ये एक विचार है। अब दूसरे विचार पर चर्चा करते हैं। देखिए, दूसरे विचार में क्या होता है कि आपको पता है कि नॉर्थ पोल उस तरफ है और साउथ पोल इस तरफ है। इससे हमें क्या पता लगा कि हमारी बॉडी में जो आयरन है, अब अगर मैं आपके सिर पर एक मैग्नेट को रख देता हूं तो वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगी। अब आप सो गए, नॉर्थ की तरफ मान लीजिए सिर करके आप सोए, तो वहां जो मैग्नेट लगी है क्या वो आपकी बॉडी के आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगी? स्वयं विचार करिए, क्या हमारी बॉडी में जो आयरन है ब्लड में डिजॉल्व है, मतलब ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो करने लगेगा। हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइन की हुई है, जैसे मैं बैठा हूं अभी, ये परफेक्ट पोस्चर है, इसमें बैठे हैं, बॉडी रिलैक्स में है अभी। जब आप लेट जाते हैं तो इससे क्या हुआ, लेटने के बाद हार्ट को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ब्लड पंप करने में, क्योंकि अब उसे ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। इसमें क्या इशू हुआ कि अब आप लेट गए जी उल्टी तरह से, पहला तो हार्ट को अपना काम करना था ब्लड को ऊपर पंप करने में, दूसरा आप लेटे तो इसमें क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल जो पुल है उसने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। आप नॉर्थ की तरफ लेटे, ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो करने लगा। ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, लेकिन कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या एक दिन में उत्पन्न नहीं हो जाती, ये हमारी ही कमियां होती हैं कि हम शुरू में ध्यान नहीं देते, बाद में वही समस्या बड़ी हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ, वो ब्लड ऊपर की तरफ आया। अब ब्लड ऊपर की तरफ आएगा तो कई बार इससे ब्रेन हेमरेज तक भी होते देखे गए हैं, क्योंकि ऊपर का जो हमारा डिजाइन की गई है, ऊपर की जो एनाटॉमी है, उसमें थोड़ी सी भी छेड़छाड़ बहुत ही लीथल साबित हो सकती है। अगर ऊपर एक ड्रॉप भी ब्लड की चली जाए ब्रेन में तो बहुत ही ज्यादा रिस्की रहती है। इसीलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कभी भी नॉर्थ की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे का यही लॉजिक है, क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन है और नॉर्थ पोल पर मैग्नेट है। आज इसी विषय पर मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाह रहा था कि हमें किस दिशा की तरफ सोना चाहिए। अभी हमने जाना कि नेगेटिव क्या है, कि नॉर्थ की तरफ नहीं सोना चाहिए। अब दूसरी जी डायरेक्शन जो बचती है, जिस तरफ नहीं सोना चाहिए, वो है वेस्ट। वेस्ट को समझते हैं। आइए, पश्चिम दिशा क्या है? अगर मैं आपको वास्तु की तरफ ले चलूं तो पश्चिम दिशा शनि की जोन होती है, मैनिफेस्टेशन की जोन होती है, और साथ ही साथ गेन की भी दिशा होती है। इसी दिशा से हमें लाभ मिलता है, लेकिन लाभ किसे चाहिए? आपको चाहिए। सोशल कनेक्टिविटी भी आपको चाहिए, सम्मान भी आपको चाहिए, नेटवर्किंग भी आपको चाहिए। तो इससे क्या हुआ, जो सामने की जोन है पूर्व, देखिए इस आप भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन। तो जब आप पश्चिम की तरफ सिर करेंगे, मतलब आपके जो पैर हो गए वो हो गए पूर्व की तरफ, और सूर्य जब उगता है तो पूर्व से उगता है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट का ये मानना है कि पूर्व की तरफ अर्थात सूर्य की तरफ कभी भी पैर नहीं करने चाहिए। हमारे जो वेद हैं उसमें सूर्य को संपूर्ण संसार की आत्मा कहा गया है और संपूर्ण जगत का पिता माना गया है। तो पहले का जो सम्मान होता था, और अब भी आप ले लें तो पुत्र कभी भी, संतान कभी भी अपने पिता की तरफ पैर नहीं करते हैं। तो ये इसका मुख्य कारण है कि पश्चिम की तरफ नहीं सोना चाहिए। अब इससे क्या हुआ, इस बात को समझाने के लिए उस श्लोक में कहा गया कि पश्चिमे प्रबला चिंता, इससे ब्रेन में चिंता उत्पन्न होती है। अब आपने पैर उस तरफ करे, पैर करने का मतलब है आप उस दिशा से इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते। अगर मैं इसे सिंपल लॉजिक पर रखूं तो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, इसका क्या मतलब है कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी, आपकी बॉन्डिंग, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। इसीलिए ऋषियों ने क्या किया कि उस दिशा को
चिंता का नाम दे दिया जाए, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन में इस दिशा की तरफ सिर करकर ना सोए। कितनी कमाल की बात है। अब वहां पर इस पूरे आधार को समझाते तो जो नॉर्मल व्यक्ति था वो इसे नहीं समझ पाता, इसीलिए इसको चिंता का नाम दे दिया। इसी कारण से उस तरफ सिर करकर नहीं सोना चाहिए। अब आ जाते हैं जी दो मुख्य दिशाएं जिनकी तरफ सोने से लाभ मिलता है। ये तो जो दो दिशाएं थी जिस तरफ नहीं सोना चाहिए। अब मुख्य आधार पर आते हैं। पूर्व दिशा की तरफ सोने से मैंने बताया कि विद्या की प्राप्ति होती है। उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि पूर्व दिशा जो होती है इंद्र भगवान की जोन है, सूर्य की भी दिशा होती है। तो अगर कोई भी आपको विद्या चाहिए उसमें आपको सूर्य का लाभ मिलना बड़ा आवश्यक है। सूर्य से मदद लेंगे तभी ही आपको उसमें लाभ मिलेगा। दूसरा, जो साउथ की जोन होती है, दक्षिण दिशा की तरफ सोने से क्या लाभ होता है, देखिए दक्षिण जो होती है आपको बल देती है। साउथ जो जोन होती है बल की जोन मानी गई है, ताकत की, करेज की, स्ट्रेंथ की जोन होती है। अब आप सोए, सोने से क्या हुआ, जब आपने नॉर्थ और साउथ एक्सिस के बारे में जो मैंने आपको बताया अभी, अब आप साउथ की तरफ सोए तो जो मैग्नेट था वो बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में अलाइंड हो गया। मतलब कि साउथ और नॉर्थ और नॉर्थ और साउथ अपने आप अलाइंड हो गए। मतलब आपका जो पैर है वो हो गए नॉर्थ की तरफ और जो सिर हो गया वो साउथ की तरफ। मतलब ब्लड जो है रिलैक्स स्टेट में फ्लो करता रहेगा। पहला, इससे अच्छी नींद आएगी। दूसरा, साउथ की जो जोन होती है वो फेम देती है व्यक्ति को। अब ये कैसे कह सकते हैं कि साउथ की जोन फेम देती है, देखिए आपको इसके लिए हनुमान जी को याद करना पड़ेगा। अब वो कैसे, देखिए हनुमान जी जब दक्षिण दिशा की तरफ गए थे अर्थात श्रीलंका गए थे तब उन्हें फेम मिला वहां पर। पहले हनुमान जी का इतना नाम नहीं था। जब वो समुद्र के किनारे जामुन जी ने जब उन्हें उनकी सोई हुई ताकत याद दिलाई तब वो दक्षिण की तरफ गए, उन्होंने लंका को जलाया, उसके बाद से उनका नाम और भी ज्यादा बड़ा हो गया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि साउथ जो होती है फेम की जोन होती है, बल की जोन होती है, साथ साथ करेज की भी जोन होती है। इसीलिए साउथ की तरफ सोने से विशेष लाभ मिलता है। तो ये आज का हमारा मुख्य विषय था कि किस दिशा की तरफ सोने से विशेष लाभ और विशेष हानि होती है। आज हमने जाना कि उत्तर और पश्चिम की तरफ सिर करकर नहीं सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए उस विषय में मैंने आपको बताया, और पूरब और दक्षिण की तरफ सिर करकर सोने से क्या लाभ होते हैं इस विषय में भी मैंने बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में हम ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय माता की।